Hi guys and welcome back to my channel. Since my mom is came back from Thailand, आप लोगों को हम बताया था मॉम थाईलैंड गए लगे और बहुत ज़्यादा कुछ कुछ ला दिया हम लोग के लिए. आज का मेरा ब्लॉग बेसिकली एक आओ इधर आओ आओ आप भी वीडियो बनाते हैं हाँ तो आज मेरा ब्लॉग बेसिकली एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाला है और मॉम हम लोग के लिए एक स्पेशल चॉकलेट लेके आ दिया है ड्यूरियन का. जैसे कि आप लोग कभी नहीं सुना होगा एक ड्यूरियन एक वो होता है मतलब जैक फ्रूट जिस टाइप का फ्रूट होता है और आई डोंट नो स्मेल कैसे होगा आप सुन के देखेंगे आप बोलेगा ऐसे कम लेट्स ट्राई आप आधा खा के देखो लो आप खा के देखो लो काटो तो काटो काटो जोर से काटो काटो खाने के लिए तो अच्छा है लेकिन स्मेल बहुत गंदा है. लाइक आपको कभी खाकर ने देखा होगा तो ये स्पेशल थाईलैंड से ही लेकर आया यहाँ नहीं मिलता इंडिया में खाना. और ये है मिक्स वेजिटेबल्स का चिप्स. ये बाय द वे ये कानपुर भी मॉम थाईलैंड से ही लाती है बहुत मजा देगा. यहाँ में अलग अलग किस्म का है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का है तो आपको दिखाएगा. एवोकाडो ना नींबू ये नींबू ही देखो एवोकाडो जैसे दिखता है. बहुत मज़ा बनाना जैक फ्रूट सॉरी. और यहाँ पर और भी अलग अलग किस्म का जैसे हम दिखा सकते हैं नहीं खा के दिखाएगा. देखो ये कैरेट एंड और भी बहुत कुछ है यहाँ पे. ये क्या है मॉम ये आलू बीटरूट ये बीटरूट है एंड यहाँ में बीन्स भी देख सकते हैं तो यहाँ में बहुत अलग अलग वाला है. एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पे भी है ये वो है मैंगो है जिसको ड्राइड में करके रखा वाला है. और आपको हम दिखा सकते हैं हम लोग का यहाँ का लाइट चला गया था इन्वर्टर का लाइट बहुत कम था तो मॉम मोर मेरा बेड पर लाइट ऐसे कर रहे मॉम भाग गए. और आप लोग को स्पेशल चीज दिखाएगा हम प्लीज मत हंसो हाँ पता नहीं मॉम किसका काट के ला लिया. मजाक के थाईलैंड में इसको प्रे करता है क्योंकि मतलब वहाँ में कुछ भगवान मानता है इसको तो इसलिए वो करते हैं. एंड बहुत कुछ कुछ ला दिया है और अपना पर्सनल थिंग को तो नहीं अंडरवेयर को तो नहीं दिखा सकते ना तो इसलिए हम ये सामान को दिखा रहे हैं. ये आईना है जो कि इसका अंदर में कंघी भी होता है और बहुत छोटा छोटा पाउच वन और भी ला दिए बहुत कुछ ला दिए तो हम यहाँ में पूरा लेकर नहीं आए तो हम जस्ट ऐसे जस्ट सिंपल ब्लॉग बना रहा था क्योंकि हम खुद भी दिल्ली से आ गए और बहुत हैक्टिव होके रखा था. सो बेसिकली ड्यूरियन जो एक ओल्ड स्मेलेस्ट फ्रूट होता है और थाईलैंड में कहीं में भी उसको एलो नहीं करते कोई भी होटल एंड ऑल में भी एलो नहीं करते. और मॉम लोग जो यहाँ सीड्स लाने के लिए ट्राई किया था लेकिन वहाँ बहुत कॉस्टली पड़ते थे इसलिए लेकर नहीं आया. तो यस ड्यूरियन क्यों गन क्यों मार रहा है बताओ तो क्या खाने का बाद से गन मार रहा है. अनुमा को बताओ ना पहले आप वो चॉकलेट खाए थे ना से. अच्छा लो फोन लो मम्मी का फोन मत गिराओ हाँ. बूटा लगे हम खेलने क्या हो गया तुमको गन मार रहा पूरा क्या खा दिया. मेरा मुंह में भी पूरा गन रह गया और पूरा गन अभी तक आ रहा है. ऑब्वियसली लाइक वर्ल्ड का फेमस नहीं सॉरी वर्ल्ड का सबसे स्मेलियस्ट फ्रूट है सच में भी मोम तो पूरा हो गया पूरा मोम बाहर बगे. और बाय द वे आगे मोम को नहीं दिखाएगा मोम मुझसे कह रही हूँ तो तुम अब आपको बहुत गन मार रहे हैं हाँ बहुत गन मार रहे हैं हाँ. और एक तो खाएगा खाएगा आप खाएगा आप खाएगा हम नहीं नहीं खाएगा चॉकलेट खाएगा वो गाड़ी है ना कौन ला दिया मम्मी लो नकली पूका है हाँ कौन लगा दिया इसको
वैसे आप बहुत दिन से मेरा भाई को नहीं देखा होगा, देखो बहुत बड़ा हो गया। आप कितना क्लास हो गया बताओ, चलो आनूंगा तो फोन छीन लेगा। अरे कितना क्लास हो गया बताओ? आप कितना क्लास हो गया? हम इयर्स नहीं पूछे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बताओ क्लास वन हो गया मोमी जो, तब तो आप हवरे चिपका रहे हमको, बताओ अच्छे से इधर देख के बताओ यहाँ में। यूकेजी और कितना इयर्स हो गया? आप पता है बाद में आलूंगा ते का ब्लॉग में आप जो देख रहा होगा अपना आपको, इधर देखो इधर देखो, आप इतना छोटा था बोलते ये दिन को याद रहो हाँ आप जो बाद में अपना आपको देखो, क्योंकि आप इतना जल्दी बड़ा हो रहे आपको मालूम भी नहीं चल रहा। आपका आपका पता है 2 ईयर्स का बर्थडे का फोटो है, आप इतना छोटा था, देखो आप इतना दाढ़ी बड़ा हो गया। लेकिन ओप्पू ज़्यादा बड़ा था 6 ईयर्स में। So that's it, आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।